जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच सरकार के 17 लाख रुपए के प्रस्ताव पर बनी सहमति। जोधपुर जिले के सेरगढ़ के पुंगरा गांव में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट के होने के बाद अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में आंदोलन कर रहे संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच रविवार रात हुई वार्ता में सहमति बन गई। दोनों पक्षों में बीच में 17 लाख रुपए के पैकेज पर सहमति बनी है। जोधपुर जिले के सेरगढ़ के भोंगरा गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के चलते अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद पीड़ितों को विशेष पैकेज दिलाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना जारी और विरोध रैली के बाद शाम को प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच आखिरकार सहमति बन गई। पहले एक बार वार्ता विफल होने के बाद दोबारा प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच वार्ता हुई। इसमें सरकार द्वारा रखे प्रस्ताव, जिसमें 17 लाख रुपए के पैकेज का मसौदा बताया गया, उस पर सहमति बन गई। संघर्ष समिति के सदस्य पूर्व विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हो गई, इस राशि को बढ़ाने के लिए हम उनसे जाकर मिलेंगे। संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने बताया कि 17 लाख के पैकेज पर सहमति बनी है। मोर्चरी में रखे सभी शवों का अंतिम संस्कार होगा और धरना भी समाप्त किया जाएगा। इस पैकेज में प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, चिरंजीवी योजना व अन्य सरकारी स्रोत से मिलने वाली राशि भी शामिल है। खास बात यह है कि शनिवार को ही सरकार की ओर से 17 लाख रुपये पैकेज देने की बात हुई थी, लेकिन इसे धरने पर बैठे समाज के नेताओं ने सहमति नहीं दी थी। लेकिन रविवार को पूरे दिन के प्रदर्शन के बावजूद राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई। अंततः संघर्ष समिति को सरकार का प्रस्ताव मानना पड़ा। इससे पहले दोपहर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, पुष्पेंद्र राणावत, पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, भगवान सिंह तेना वार्ता में शामिल हुए, लेकिन 50 लाख का मुआवजा और नौकरी की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। भोंगरा गैस त्रासदी को आज 10 दिन हो गए हैं। मौतों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। घर के घर खाली हो गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। ये प्रदेश की अब तक के सबसे बड़ी गैस त्रासदी है, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा राहत पैकेज जारी नहीं किया गया। राजस्थान सरकार गूंगी होकर बैठी है। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सबकी जुबान पर ताला लगा है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जोधपुर जिला कलेक्टर महोदय 100 किलोमीटर दूर पहुंचने में 7 दिन लगाते हैं। इस अभद्र व्यवहार को देखते हुए सर्व समाज के लोगों ने इस गहरी नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए और मर तक वो पीड़ित परिवारों को आर्थिक पैकेज दिलाने के लिए विशाल जन आक्रोश निकालने का निर्णय लिया है। सर्व समाज के लोगों से निवेदन है कि कल 18 दिसंबर सुबह 11 बजे जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और इस विशाल जन आक्रोश रैली का हिस्सा बने।